सोलो गाइस, मैं शायद आप देख रहे हो पेट लवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ आप लोग के लिए और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और आज का वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है, आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जर्मन शेफर्ड की। जर्मन शेफर्ड अगर गार्ड परपज डॉग होता है उसके अगर बात की जाए तो बहुत लोग जर्मन शेफर्ड को जानते होंगे। और कोई ब्रीड को जानो या ना जानो, जर्मन शेफर्ड एकदम बेस्ट ब्रीड है आप लोग के लिए गार्ड परपज। या आप लोग गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, गाँव में जैसे खेती वेती होता है तो वो सब जगह पे रख सकते हो, मतलब घर के लिए, मतलब गार्ड परपज डॉग समझ जाओ, बेस्ट डॉग, एकदम बेस्ट डॉग होता है। तो जर्मन शेफर्ड की बात की जाए तो ये बहुत बेस्ट डॉग होता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को करना एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे फैक्ट जो जर्मन शेफर्ड के होते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि जर्मन शेफर्ड एक गार्ड डॉग होता है। वो तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया, बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया है, तो आप लोग को समझ ही आ गया होगा वो बहुत बेस्ट डॉग होता है। अगर आपको कोई कुछ करे, जैसे आपका फ्रेंड है आपके साथ फाइट हो गया, तो वो उस जिसके साथ फाइट हुआ है उसको तो बहुत खराब हाल कर देगा उसका, अगर आपको कुछ भी वो किया तो। चलिए अब सेकेंड फैक्ट की और बढ़ते हैं। तो जर्मन शेफर्ड बहुत एग्रेसिव और बहुत खूंखार डॉग होता है। जैसे आपके घर में कोई भी गेस्ट या कोई भी आपका फ्रेंड आ रहा है तो वो देख के ही डर जाएगा और घर में आने से डर जाएगा। तो ये सब फैक्ट जर्मन शेफर्ड के होते हैं। जर्मन शेफर्ड बहुत खूंखार होता है और बहुत एग्रेसिव होता है, लेकिन अगर आप लोग जिस तरह से ट्रेनिंग दिए, जिस तरह से होते हैं, मतलब ट्रेनिंग आप दोगे उस हिसाब से होता है। तो जैसे आप अगर आप लोग ट्रेनिंग बेस्ट नहीं देते हो जर्मन शेफर्ड को, आप लोग जैसे कुछ भी काम करता है उसमें और उस टाइम खाना दे देते हो तो उसको लगता है मैंने अच्छा काम किया तो मेरे को खाना मिला, तो वही सब में गलती होता है। बड़े होने के बाद वो डॉग खूंखार बन जाता है। तो अब चलिए थर्ड नंबर की और बात करते हैं। तो थर्ड नंबर में है हमारा, अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड को बढ़िया से बढ़िया अगर आप लोग डॉग फूड खिलाते हो तो जर्मन शेफर्ड के लिए अच्छा रहता है। और भी बढ़िया से बढ़िया फूड खिलाओगे तो जर्मन शेफर्ड आपका बड़ा होने के बाद बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा खूंखार दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसकी कोट भी बहुत बेस्ट होती है और ये इतना खूंखार दिखेगा बड़े होने के बाद कि पाल के ही देख लो पता चल जाएगा। तो चलिए अब फोर्थ नंबर की फैक्ट में बात करते हैं। तो इसकी रनिंग स्पीड की को देख के जाए तो अगर आप लोग में से एक बंदा एक राउंड लगाता है ना तो ये 10 राउंड लगा देगा और तब भी नहीं थकेगा। तो ये ना बहुत बेस्ट डॉग होता है। और यहाँ थोड़ा चिड़िया लोग आवाज कर रहे हैं तो उसको साउंड को इग्नोर कर देना क्योंकि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये डॉग की अगर रनिंग स्पीड की बात हो रही थी तो उसकी बात की जाए तो ये थकता नहीं, इसीलिए इसको पुलिस लाइन में और ये सब लाइन में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत हैवी हाई इसकी एनर्जी होती है और ये बहुत बेस्ट होता है। तो चलिए अब फिफ्थ नंबर फैक्ट की और बात करते हैं। तो फिफ्थ नंबर में है हमारा, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है और आप डॉग लेना चाह रहे हो तो ये जर्मन शेफर्ड भी एक नंबर डॉग है। बस वो घर के मेंबर के साथ घुल मिल के बड़ा होगा तो घर में के मेंबर को कुछ नहीं करेगा, जैसे घर के बच्चे लोग ये सबको कुछ नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन यही आपके आप बाहर से बड़े डॉग लाए हो, उसको बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं है और आपके घर में बच्चा है तो वो सबको प्रॉब्लम होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग बच्चे से रखो। तो अब चलिए सिक्स नंबर की और बात करते हैं। तो सिक्स नंबर पे होता है इसकी हेयर के बारे में। जैसे आपको ये कोट दिख रहा होगा जर्मन शेफर्ड का, तो ये ऊपर का जो कोट होता है ये बहुत हैवी मतलब हार्ड बेस्ट होता है जर्मन शेफर्ड का। तो इसकी हेयर अगर आप लोग बेस्ट से बेस्ट शैम्पू से इसको नहलाते हो और ज्यादा बेस्ट दिखते हो तो ये इसका कोट और ऐसा लगेगा कि बहुत खूंखार दिखेगा ये, और इसकी कोट भी ज्यादा बेस्ट मतलब हो जाएगी और ज्यादा हेयर हो जाएंगे इसके बाल में, बस आप लोग बेस्ट शैम्पू इसमें यूज करो। तो चलिए अब सेवेंथ नंबर की फैक्ट में बात करते हैं। तो सेवेंथ नंबर पे कि आपके कोई स्मॉल मतलब दो ही रूम है या और आपकी फुल फैमिली रहती है दो या तीन ही रूम में तो वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन आपका एक ही रूम है और पूरी तीन चार फैमिली रहती है तो मैं रिकमेंड करूंगा ये कभी भी जर्मन शेफर्ड ना ले क्योंकि ये इतना छोटा रूम में नहीं रह पाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। तो इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं।
ये डॉग ट्रेनिंग में एक नंबर डॉग है, ये जल्दी से ट्रेंड भी हो जाता है और इसीलिए इसको पुलिस लाइन में रखा जाता है और ये जल्दी से जल्दी ट्रेंड होता है। आप इसको जो चीज सिखाओगे ये ज्यादा बेस्ट और ज्यादा जल्दी के तरीके से सीखेगा, जैसे हैंड शेक, अप डाउन, सिट, मतलब बहुत सारे चीज होते हैं तो वो सब सीख जाएगा। तो चलिए अब फैक्ट नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो फैक्ट नंबर 9 की ओर होता है कि जैसे आपके घर में कोई चोर आ गया, ये कोई भी मतलब फाइट उट हो रही है, तो ये डॉग अगर आपको कुछ भी होगा तो ये अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, और आपके होम में कोई भी अचानक से ऐसा आ जाए और वो गलत व्यवहार टाइप का करे तो ये डॉग उसको डरा देगा, या बंधे हुए होगा तो वो उसको डरा देगा, नहीं तो ये उसको जाके काट लेगा, मतलब भगा देगा, मतलब है ना। तो ये अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 में। तो फैक्ट नंबर 10 में इसका अगर फूड का बात की जाए तो ये डॉग आपका होम में फूड, जैसे आप लोग के पास ज्यादा बजट बजट नहीं है, आप लोग ज्यादा खिला नहीं सकते, तो तब भी महीने में 2 से 3 हजार तक का इसका खर्चा जाएगा, घर ही के खाने में ये पल जाता है। नहीं तो और अगर आप लोग इसको डॉग फूड खिलाओगे तो 7 से 8 थाउजेंड रुपीज इसका मंथ आएगा, तो घर ही के खाने में पालोगे तो 1 हजार तक में इसका कम से कम होगा। नॉनवेज में हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 3-4 बार दे देना तो ये बेस्ट रहेगा। तो भाई लोग अब लास्ट हो गया है, तो इसकी एक प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये 10,000 से 15,000 तक में आ जाता है। और इसकी फैक्ट्स आप लोग को कैसी लगी ये जरूर से बताना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो करना एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।